कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किया गया वजाहती बयान। बंद जगहों और ट्रांसपोर्ट सर्विस में सवारी के दौरान मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। धमकियां, किम जोंग उन पर हुई बेअसर। फिर किया कम फासले तक मार करने वाला मिसाइल का तजुर्बा। जापान के समंदर में गिरा मिसाइल। जापान ने कहा, नॉर्थ कोरिया आलमी बरादरी के लिए बना है संगीन खतरा। दुनिया भर में तेजी से बदल रहे हैं हालात। चाइना, रशिया, ईरान और अमेरिका के बाद अब इसराइल ने अचानक फलस्तीनी साहली इलाकों में शुरू की फौजी मशकें। अचानक इसराइली जंगी मशकों से खत्ते में कशीदगी। हिंदुस्तान भर में बड़ी अकीदत, तजक व एहतशाम से मनाया जा रहा है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। जलसे जुलूसों में नबी की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों को बयान करके उन पर अमल करने की गई तलकीन। यूपी इलेक्शन को लेकर कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस मर्तबा यूपी इलेक्शन में 40% खवातीन को टिकट देने का किया गया है ऐलान। और चाइना की बढ़ती घुसपैठ पर असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज, कहा चाइना के खिलाफ बोलने से डरते हैं पीएम मोदी। कश्मीर में हमारे जवान मर रहे हैं और भारत पाकिस्तान से खेल रहा है T20।